रोकन। अच्छा, कैसी हो बेटा? जी मैं ठीक हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज एक दो दिनों के लिए इसे यहाँ पे रख लें, तब तक मैं इसका कोई परमानेंट ठिकाना तलाश करता हूँ। मत कहो मुझे अम्मी। अम्मी मैंने सिर्फ एक बात कही है और आप? मैं तुमसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि दारुल अमान वालों ने उसको रखा या नहीं। मैं उसे वहां पर लेकर ही नहीं गया। चलो चलो आराम से। अरे तुम लोग चलो, मैं मोबाइल लेकर आ रहा हूँ। मामू जल्दी आएगा। ओके। ये कौन सा टाइम है ऑफिस आने का? एचआर को इन्फॉर्म कर दिया था या वैसे ही? सर आई एम सो सॉरी, मैं कुछ पर्सनल काम में फंस गया था एंड यस मैंने एचआर को इन्फॉर्म कर दिया था। सर वो होटल प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में बात करनी थी, उसमें कुछ गड़बड़ है। मैं इस सिलसिले में तुमसे बाद में बात करूंगा। सर एक सेकेंड, आई इंसिस्ट। हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं सुलेमान साहब और खानजादा साहब, वो दोनों मिले हुए हैं और वो आला दर्जे के मटेरियल के बजाय घटिया तरीन मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। सर आपको इस प्रोजेक्ट को फौरन रोक देना चाहिए इन माय ओपिनियन, ताकि जो करप्शन है उसको रोका जा सके। मिस्टर इब्राहिम आप कौन होते हैं मेरे फ्राइज तय करने वाले? मैं अपने मामलात में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर सब कुछ सामने है आपके, आपको एक्शन लेना ही होगा। मैं बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि हमारी कंपनी के नाम को कोई बदनाम करे या फिर इसकी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। आई विल नॉट टॉलरेट दिस सर। इस कंपनी का मालिक मैं हूं, तुम नहीं। सर मुझे तो लगता है कि आपको भी कमीशन मिला है। अब तो मुझे ये पता लगाना चाहिए कि 900 मिलियन की जो करप्शन हुई है उसमें से आपको कितना मिला है। मुझे इतना कमीशन मिला है कि मैं अभी इसी वक्त तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूं मिस्टर इब्राहिम। आपको यह जहमत नहीं उठानी पड़ेगी, मैं खुद रिजाइन कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। इब्राहिम के ड्यूज क्लियर करो और आइंदा के बाद मुझे यह बंदा ऑफिस में नजर नहीं आना चाहिए। समझ आ गई? आयु आप तो मॉमी को मिस ही नहीं करते, बिल्कुल मिलते भी नहीं हो। ऐसा नहीं है, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। अच्छा, तभी मेरे आने से पहले वापस घर चले गए थे, पता है मैंने आपको कितना मिस किया। और मॉमी मुझे? अरे इस छुटकू से जेलस हो गई क्या? इस छुटकू से कौन जेलस होगा, मैं तो ये कह रही थी कि आप मुझसे प्यार नहीं करती। एक्सक्यूज मी, मैं छुटकू नहीं हूँ, आई एम स्ट्रॉन्ग बॉय। स्ट्रॉन्ग बॉय? ओ अच्छा, चलो अब लड़ो नहीं। तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हो गया? मामा होमवर्क तो हो गया, बस थोड़ा सा रहता है। जाओ कंप्लीट करो। मामा प्लीज 5 मिनट्स। ये फवाद कहाँ रह गए? जी बोले आप ही। कहाँ थे आप? वो मलिक बिल्डर्स की फाइल नहीं मिल रही थी तो। अब वो तो मेरी टेबल पर थी। हाँ वो मैंने उनको बता दिया है, तुम्हें कॉल आएगी तो हाँ मैं रिप्लाई कर देना। आप ही बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं तो कुछ दिन के लिए हमारे पास भेज दें। मामा प्लीज प्लीज मामा। अच्छा ठीक है। यस यस। आ जाओ। ये कहाँ जाएंगे? किसी पार्क चलते हैं। यार बहुत बोरिंग हो तुम, पार्क कौन जाता है, समझाओ इसको। कहाँ जाएंगे? एक न्यू जगह खुली है, वहाँ काफी सारे झूले हैं, वहाँ चले मैं आपको बताऊंगी। नहीं पहले तुम लोग फैसला कर लो, लड़ेंगे बाद में। बाद में करते ना, आओ आओ। अच्छा अच्छा
वैसे आप ही मारुख नजर नहीं आ रही। क्यों? मैंने सोचा उससे भी मिल लेती हूँ। वो घर पर नहीं है। अच्छा, मारुख, मारुख कहाँ चली गई ये लड़की? मारुख, मारुख यार कहाँ चली गई है? पता ये लड़की कहाँ चली गई है? समझ नहीं आ रहा। पता नहीं, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। कहाँ थी तुम? कमरे में थी, घुटन हो रही थी तो सोचा बाहर आ जाऊं। कोई काम था क्या? हाँ, भूख लग रही है, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो। हाँ हाँ जरूर, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। और देखो बगैर बताए कहीं जाना नहीं, ठीक है? तुम अपने कमरे में बैठो। क्या खाना पसंद करो? आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है, जो भी है खा लूंगी। तुम अपने कमरे में बैठो, मैं कुछ लेके आती हूँ। घी जी, मैं सिर्फ 2-3 हफ्ते के बारे में बात कर रहा हूं, या फिर उससे भी कम। आपके घर के बारे में मैं बात नहीं कर रहा शिराजी साहब, मुझे उस गर्ल्स हॉस्टल का एड्रेस चाहिए। क्या वो बंद हो गया है क्या? अच्छा ठीक है, आप मेरी तरफ से अपने घर वालों को सलाम कहिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी कम इन। जी फरखान मैम। ये फाइल्स। फरखंदा, आप ये फाइल्स हमदानी साहब को दे दें, अब इन पर वही सिग्नेचर्स करेंगे, मैं रिजाइन कर रहा हूँ। आप और रिजाइन? हाँ जी। आखिर क्यों इब्राहिम सर? क्योंकि ये जगह मेरे काबिल नहीं, मैं ऐसे लोगों के साथ मजीद काम नहीं कर सकता। तो आपने फैसला कर लिया है? आप फखरी साहब से कहें कि वो मुझसे मिल लें और कंपनी का अकाउंट टेक ओवर कर लें। ठीक है, मैं बोल देती हूँ उनको। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नफीसा खाला, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो आलिया? जी बिल्कुल ठीक ठाक। सॉरी वो इब्राहिम ने सुबह सुबह आपको परेशान कर दिया। अरे नहीं बेटा, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा बेटा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि इस लड़की के साथ कोई मसला तो नहीं है? क्या मतलब, क्या मसला, कुछ हुआ है क्या? बेटा बस बैठे बैठे ना अचानक गायब हो जाती है। अरे खाला, वो इब्राहिम ने आपको बताया होगा ना, उसकी याददाश्त खो गई है तो बस इसी वजह से ना जरा गुमसुम सी रहती है। बेटा कोई और बात तो नहीं है? अरे नहीं खाला, और क्या बात होगी, बस आप 2-3 दिन के लिए उसको अपने घर रख लें, आपका बड़ा एहसान होगा। कैसी बातें कर रही हो बेटा,
तुम मेरी बेटी हो बिल्कुल। बच्चों को प्यार कहना। अल्लाह हाफिज। जी खुदा हाफिज। चाय का पानी रखूं या ना रखूं? पहले पूछ लेती हूं कि खाने के फौरन बाद चाय पिएगी या बाद में। लड़को क्या कर रही हो? दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? आपने मुझे मरने क्यों नहीं दिया? बात सुनो, अगर तुम खुदकुशी कर लेती ना तो मैं आलिया और इब्राहिम को क्या जवाब देती और पुलिस अलग पर्चा काटती। वो तो खुदा का शुक्र है कि मैं वक्त पर आ गई और तुम्हारी जान बच गई। जीना नहीं चाहती। पागल हो गई हो? अव्वल तो ये कि खुदकुशी हराम है और दूसरी बात ये कि ये हराम काम करने के लिए मेरा ही घर मिला। बेटा हमें हिम्मत नहीं हारना है। अगर तुम हिम्मत हार गई तुम्हारा तो हंसता बसता घर उजड़ जाएगा। बड़ा नाज था मुझे अपने इब्राहिम पे। दूसरी औरतों को उसकी मिसाल दिया करती थी। क्या हो गया उसे अचानक? बेटा उसको जो कुछ भी हुआ है ना उसमें तुमसे ज्यादा मेरा कसूर। मानती हूँ कि माहरुख ने मेरी बहुत खिदमत की लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं उसको तुम्हारी जगह दे दूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। आप ही का सहारा चाहिए मुझे। फिक्र नहीं करो। बस खाला खैरियत? अभी तो बात हुई हमारी। गजब हो गया आलिया। मैं अभी उसके कमरे में गई तो मैंने देखा कि वो पिस्टल से अपने आप को शूट कर रही थी। वो तो खुदा का शुक्र है कि मैंने पहुंचकर उसकी जान बचा ली। क्या पिस्टल कहां से आई उसके पास? मुझे क्या पता, घर में भी कोई नहीं है। मैं बहुत बौखला रही हूँ आलिया। मेरी टांगे कांप रही है, मेरे हाथ पांव फूल गए हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस तुम लोग जल्दी से आ जाओ। अच्छा खाला खाला मैं आती हूँ। हाँ जल्दी आओ जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ बेटा? वो मारुख के पास पता नहीं पिस्टल कहाँ से आ गई, उसने खुदकुशी की कोशिश की। या अल्लाह। इब्राहिम को फोन करती हूँ।
जी आलिया कहिए, दिमाग दुरुस्त हुआ आपका या नहीं? मेरा दिमाग बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसका खराब हो चुका है और साथ में तुम्हारा भी। क्या तुमने ये बताने के लिए फोन किया है? मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि उसने खुदकुशी की कोशिश की है। क्या क्या कह रही हो तुम? खाला ने भी फोन करके बताया। तो मारुफ कैसी है? मेरा मतलब है कि वो जिंदा तो है ना? हाँ मैं जानती हूँ, मुझसे ज्यादा तुम्हें उसकी फिक्र है। हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे, अभी तुम वहां फौरन पहुंचो, मैं भी पहुंच रहा हूँ। हाँ जा रही हूँ मैं। ओके अम्मी, मैं खाला के घर जा रही हूँ। हाँ बेटा फौरन जाओ। मारुख से ये उम्मीद नहीं थी, अब एक नया तमाशा। अल्लाह ही खैर कर। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सॉरी आपको खामखा परेशान कर दिया हमने। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई गैर थोड़ी हूँ। ठीक तो है ना वो लड़की? उसे क्या होगा बेटा, शुक्र करो उसे मरने से बचा लिया, फिर भी कह रही है कि मैं बुरी हूँ। अपनी गलती का एतराफ करती हूँ कि मेरी गाड़ी से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मैं और मेरी फैमिली इसका कितना खमियाजा भुगत चुके हैं। तुम्हें हमारे एहसान बिल्कुल भी याद नहीं है, या वो भी भूल गई हो? ऐसी बात नहीं है, मुझे एहसास नहीं। ऐसा लगता तो नहीं है, एहसास होता तो खुद ही दारुल अमान तुम चली जाती ना। मैं तो जाना चाहती थी, लेकिन लेकिन क्या इब्राहिम जी मुझे यहाँ ले आए। वो ले आया और तुम चली आई, और यहां पर आके जो तुमने तमाशा खड़ा किया वो सब भी क्या इब्राहिम ने कहा था तुम्हें करने को? मुझे तुमसे ये तवक्को बिल्कुल नहीं थी। इससे खुदकुशी करने की कोशिश की थी इसने। खुदा का शुक्र है बेटा मैं वक्त पे पहुंच गई, वरना ये तो कब की मर चुकी होती। खाला जान आपका बहुत शुक्रिया, आपने इसकी जान बचा ली। नहीं बेटा ये मेरा फर्ज था, ये अमानत थी मेरे पास तुम्हारी। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि तुम इस हद तक जाओगी। बताओ मुझे ये तुम्हारे पास कहां से आई? ये उस औरत की है जो मेरी मां बन के आई थी। उस औरत की है? तो ये तुम्हारे पास क्या कर रही है? उसके बैग से निकाली थी मैंने वो जो छोड़ के चली गई थी। वो बैग छोड़कर नहीं गई थी, छीना था तुमने उससे। अब जो भी समझे, मैंने बस निकाल के छुपा दी थी। मैं जानना चाहता हूं तुमने ऐसा क्यों किया। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुमने इसे छुपा कर क्यों रखा, तो मुझे और मेरी बीवी को क्यों फंसाना चाह रही थी? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आप दोनों से। मैं बस मैं जानती हूँ आप लोग मेरी वजह से परेशान हैं, और मुझे लगा अगर मैं मर जाऊंगी तो आप लोगों की परेशानी कम हो जाएगी। हमारी परेशानी दूर करना चाहती थी, हो गई दूर, ये तो और बढ़ गई है। मुझे माफ कर दे, आप लोग मेरी वजह से परेशान हुए। तुम नहीं जानती मारो, तुम नहीं जानती क्या करना चाह रही थी तुम। अगर खुदा ना ख्वास्ता तुम्हें कुछ हो जाता तो इस वक्त मैं और आलिया जेल में होते। खैर अब जो होना था सो हो चुका। हैरत तो मुझे इस बात पर हो रही है कि तुमने इसे इतने दिन हमसे छुपा के कैसे रख लिया। हाँ ये बात तो हमारे ज़ेहनो गुमान में भी नहीं थी। क्या आप लोग मुझे माफ कर सकते हैं? खैर अब हमें चलना चाहिए खाला जान।
एक रिक्वेस्ट है प्लीज, इस बात का जिक्र आप किसी से भी मत कीजिएगा। नहीं बेटा, बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं किसी से कोई बात नहीं करूँ। I'm sorry, खालाजान। अब मुझे एहसास हो रहा है कि इसे यहाँ छोड़कर मैंने कितनी बड़ी गलती की है। नहीं बेटा, इस तरह की बात मत करो प्लीज। इजाजत दीजिए अब हमें, चलो आलिया। चलो। अम्मी मत कहो मुझे अम्मी, मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूं। तुम्हें ये सब करते जरा शर्म नहीं आई? हमारे एहसानों का ये बदला दिया है तुमने? ये भी नहीं सोचा तुमने कि तुम्हारी खुदकुशी के बाद हमारा क्या होगा? मुझे माफ कर दीजिएगा। जरा शर्म नहीं आई इस लड़की को? अम्मी, मैं चाहता हूं कि आप ऊपर जाके मारुख का ख्याल रखें, उसे हिम्मत दें, हौसला दें, समझाएं उसे। अब तुम अपनी माँ को हुक्म दोगे? बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। एक ऐसी लड़की का ख्याल करने को कह रहे हो जो जब चाहे मैं बर्बाद कर दे और कहीं का ना छोड़े। इंतजार किस लिए? इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली। मारुख, दरवाजा खोलो। मारुख, मुझे जरूरी बात करना है। तो हटाओ रास्ते से। दरवाजा खोलो। तुम ये बताओ कि दारुल अमान जाना क्यों नहीं चाहती? मैं तो जाना चाहती हूँ, लेकिन इब्राहिम नहीं लेके जाना चाहती। सवाल ही नहीं पैदा। यकीनन तुमने कोई जादू किया। जादू? जादू का तो सिर्फ आपने नाम सुना होगा। मेरा ख्याल है कि हमें पुलिस को अभी फोन करना चाहिए ताकि वो इस पिस्टल के साथ साथ उस लड़की को भी यहाँ से लेकर जाए। मारुख को इस घर से भेजने का इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है। तुम्हारी तो यही ख्वाहिश है कि उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए और वो जेल में सड़ती रहे। मैं उसे 2-3 महीने में जेल से निकाल लूंगी, लेकिन वहां पर रहकर कम अज कम उसका दिमाग ठिकाने जरूर आ जाएगा। मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा।
तुम मुझे इस तरह घूर कर क्यों देख रहे? ये काम हमें अभी करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, भूल जाओ उसे। कहीं तुम उसको वापस इस घर में रखने का तो नहीं सोच रहे? देखो, वो कुछ भी कर सकती है। हमें उसे किसी ऐसी जगह पर रखना होगा जहां पर 24 घंटे उसके ऊपर कोई नजर रख सके। उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। मुझे तो तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं लग रहा है। उसे इस हालत तक पहुंचाने की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुमने उसको इतना सताया, इतना परेशान किया कि वो ये कदम उठाने पर मजबूर हो गई। आलिया, तुमने उसे पागल बनाया है। तुम कैसे कैसे ये बात कह सकते हो? तुम जरा सोचो थोड़ी देर के लिए। अगर वो वाकई खुदकुशी कर लेती तो तुम अपने जमीर को कैसे मुतमईन करती? बताओ मुझे, कैसे मुतमईन करती? मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ ताकि वो उसको यहाँ से आकर ले जाए। तुम्हारी सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी है क्या? जो चीज सामने है वो तुम्हें नजर नहीं आ रही है? ये तुम्हारी जेलसी है और मैं तुम्हारी इस फजूल बकवास और जेलसी की वजह से उसे जेल भिजवा दूं, अपने घर से निकाल दूं? मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। और तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे कहा था कि वो हम दोनों की जिम्मेदारी है, लेकिन अब वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, समझी? तुम्हारी जिम्मेदारी? किस हिसाब से तुम्हारी जिम्मेदारी हो गई वो? मेरे जमीर के हिसाब से। जमीर? इतनी हवस को ना जमीर का नाम मत दो इब्राहिम। होश में रहकर बात करो मुझसे। होश में तो तुम नहीं हो इब्राहिम। उस लड़की की वजह से तुम मुझ पे हाथ उठाओगे? वो लड़की जिसका ना कुछ आता, ना पता, ना नाम, ना घर बार। आखिरी बार पूछ रही हो, तुमसे पुलिस को फोन कर रहे हो कि नहीं? नहीं। तो ठीक, तुम पुलिस को फोन नहीं करोगी, और अगर करोगी तो एक बात याद रखना, जब वो आएंगे तो मैं उनके सामने ये इतराफ कर दूंगा कि ये पिस्टल मेरी है और मैंने इसे छुपा कर रखा हुआ था, और फिर मेरा एतराफ तुम्हारा गिल्ट बन जाएगा। नहीं मामी, ऐसी बात थोड़ी ना है। हमें तो आपका खाना बहुत अच्छा लगता है। क्यों आई हूँ? यस आजो, मामी इज द बेस्ट। मामी, वैसे आप हमें स्टोरी सुनाएंगी ना? स्टोरीज? नहीं, मुझे स्टोरी सुनाना नहीं आती। अरे हाजो, मैं तुम्हारी कॉमिक्स लाया हूँ। चलो, फाइनली तुमने कुछ अच्छा काम किया। मैं तो सारे अच्छे काम करता हूँ, चाहो तो आनी से पूछ लेना। आयु, आनी मेरी है। आनी मेरी है, और उन्होंने भी कहा था कि वो मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं। जी नहीं, आनी मेरा होमवर्क करती है और आपको डांटती है। डांटती है तो क्या हुआ, लेकिन मुझसे ज्यादा प्यार करती है।
आलिया, क्या है ये सब? मुझमें अब बर्दाश्त करने की सिकत खत्म हो चुकी है अम्मी, मैं जा रही हूँ। क्या, कहाँ जा रही है? मैं ये सब और मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? तुम एक समझदार वकील हो, तुम इतनी जल्दी हिम्मत हार जाओगी मैं तो सोच भी नहीं सकती। इब्राहिम ने क्या कहा है तुम? हाथ उठाने की कोशिश की है मुझ पर। ऐसा कैसे कर सकता है इब्राहिम? मैं कुछ दिनों के लिए फवाद के घर जा रही हूँ, उसके सिवा शहर में मेरा और कोई है भी तो नहीं। ऐसा तो नहीं कहो बेटा, हम सब है ना तुम पर। फवाद के घर जाने की कोई जरूरत नहीं, खामखा उनको भी इस घर के हालात का पता लगेगा, बच्चे भी वहां हैं, वो भी परेशान हो जाएंगे। नहीं, मेरे पास यहाँ से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं यहाँ पर रहकर ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटा कहीं तुम जल्दी में आकर तो ये फैसला नहीं कर रही? यहाँ रहकर भी तो इस मसले का हल निकाला जा सकता। नहीं अम्मी, इस बात का हल यही है कि मैं कुछ दिनों के लिए दूर हो जाऊं। अगर मेरी मोहब्बत में दम है ना, तो इब्राहिम खुद मुझे लेने आएगा। बेटा बच्चे पहले से वहां हैं, वो तुम्हें इस तरह देखेंगे, तुम्हें रोते हुए देखेंगे, क्या कहोगी तुम उनसे? ठीक कह रही हैं, कुछ नहीं बता सकती मैं उनको। अच्छा ही हुआ कि मैंने बच्चों को पहले ही भेज दिया था। मैं अपने बच्चों को उस डाइन के रहमो करम पे तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जा सकती थी। ये तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम रुको, मैं खुद इब्राहिम से बात करती हूँ। नहीं अम्मी, अगर इब्राहिम ने आपकी बात ना मानी था तो सुनो आलिया, बहुत अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारे लिए। कल तक तुम मुझे इस घर से निकालना चाहते थे और आज देखो तुम्हें ये घर छोड़ के जाना था। तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए। ठीक कह रही हो तुम, खुश तो मैं बहुत। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, ये घर मेरा था, मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। एक बात तुमने ठीक कही, पहले बार ये घर तुम्हारा था लेकिन अब ये घर मेरा होगा और मेरा ही रहे। अच्छा तो ये बात है? बात तो इतनी सी थी, बस तुमने समझने में देर कर। देर तो लगा दी लेकिन ये बात अब मैं अच्छी तरह समझ गई कि इब्राहिम की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। लेकिन देख लेना तो, ये पट्टी उसकी आंखों से मैं बहुत जल्द उतार दूंगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे शौहर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जबकि हकीकत तो ये है कि उसे सब नजर आ रहा है लेकिन मेरी आंखों से।